लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 194 लोगों की पहली लिस्ट, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी का नाम भी शामिल। सोनिया गांधी रायबरेली, राहुल अमेठी से फिर लड़ेंगे चुनाव, नंदन निलेकर्णी को साउथ बेंगलुरु, वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को बिलासपुर से मिला टिकट। कांग्रेस ने क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को फूलपुर, भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन को जौनपुर से दिया टिकट। उड़िया फिल्म स्टार अपराजिता मोहंती को कटक और विजय मोहंती को भुवनेश्वर से कांग्रेस का टिकट। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने इस बार युवाओं पर जताया भरोसा, टिकट पाने वालों में 35% लोगों की उम्र 50 से कम। मुरादाबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे अजहरुद्दीन, पश्चिमी बंगाल के बशीरहाट से लड़ने की संभावना। कांग्रेस जयप्रदा को टिकट देने के लिए तैयार, अमर सिंह के चलते रुका फैसला, अमर सिंह को सिंबल देने के बजाय समर्थन देना चाहती है कांग्रेस। यूपी के सुल्तानपुर से मौजूदा सांसद संजय सिंह को असम से राज्यसभा का टिकट, संजय की जगह पत्नी अमिता सिंह सुल्तानपुर से लड़ेंगे चुनाव। अमिता सिंह के खिलाफ सुल्तानपुर से वरुण गांधी हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वरुण ने सुल्तानपुर से टिकट की जताई थी इच्छा। यूपी में कांग्रेस और आरएलडी के बीच समझौता, 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आरएलडी, 2 सीटों पर हुआ बदलाव। मुजफ्फरनगर और नगीना सीट कांग्रेस को मिली, बुलंदशहर और कैराना की सीट पर आरएलडी। केजरीवाल ने मोदी को बताया प्रॉपर्टी डीलर, कहा मोदी अब मुख्यमंत्री नहीं, अदानी अंबानी के प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बचा, अंबानी अडानी टाटा और इन कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। दिल्ली में थे मोदी तो मोदी के गढ़ में केजरीवाल ने की पहली सभा, केजरीवाल ने मोदी पर जमकर बोला हमला। गुजरात विकास का मॉडल है, सारे किसानों की खेती बंद कर दो, किसानों की जमीनें छीन छीन के अडानी और अंबानी को दे दो, सारी इंडस्ट्री बंद कर दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद कर दो। केजरीवाल ने कहा अदानी और अंबानी चला रहे हैं गुजरात की सरकार, अंबानी का दामाद सौरभ पटेल बनेगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री। नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस सांसद विलास मुत्तेवार होंगे उम्मीदवार, प्रियादत्त संजय निरुपम मिलिंद देवड़ा को फिर से मिला टिकट। अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए नागपुर में बीजेपी की आगाज रैली, शाहनवाज हुसैन नजमा हिफ्तुल्ला पहुंची, कहा मुसलमानों को डरा रही है कांग्रेस। गडकरी बोले मोबाइल पर दंगे का वीडियो भेजकर और मोदी का नाम लेकर डरा रही है कांग्रेस, कहा हमने दंगा भड़काया हो तो हमें वोट न दें। शाहनवाज हुसैन के अनुसार व्हाट्सएप पर भागलपुर दंगे का वीडियो भेज रही है कांग्रेस, कहा वीडियो को गुजरात का बताया जा रहा है। आपके व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहे हैं, मैंने वो फोटो देखा, वो फोटो गुजरात के नहीं है बल्कि राजीव गांधी के दौरे इख्तदार में भागलपुर में जो कांग्रेस ने दंगे कराए थे उसकी फोटो भेज दी है। झारखंड प्रदूषण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आजसू के नेता तिलेश्वर साहू की हत्या, हजारीबाग के बरही इलाके में गोली मारी गई। तिलेश्वर साहू को आजसू ने झारखंड की चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, साहू की हत्या की जिम्मेदारी नक्सली संगठन पीएलएफआई ने ली।
बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लगाई लेडीज स्पेशल चाय की चौपाल, कहा बेटी शिक्षा को मिशन बनाना होगा। मोदी ने राजनीति में महिलाओं को शक्ति देने की वकालत की, कहा महिलाओं में देश बदलने की ताकत। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। जन्म लेने का स्वातंत्र आज नहीं है। आज हम सेक्स रेशियो देखें तो कितनी पीड़ा होती है। मोदी की सीट को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में हंगामा, राजनाथ सिंह मुरली मनोहर जोशी में बहस। मोदी के वाराणसी सीट पर लड़ने को लेकर जोशी ने जताया ऐतराज, राजनाथ से पूछा क्यों नहीं तस्वीर की जाती है साफ। बीजेपी ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट, 52 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीएस येदियुरप्पा को भी मिला टिकट, शिमोगा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे येदियुरप्पा। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के चेहरे पर मली गई स्याही, दिल्ली में रैली कर रहे थे योगेंद्र यादव। रैली के दौरान पीछे से आया एक शख्स, भारत माता की जय बोलते हुए चेहरे पर पोत दी स्याही। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने की घटना की निंदा, कहा किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लालू की बेटी मीसा भारती ने रामकृपाल यादव पर बोला हमला, कहा पार्टी अध्यक्ष करें रामकृपाल के खिलाफ कार्रवाई। बात को मीडिया के माध्यम से क्यों बोला जा रहा है उनके तरफ से, और इमोशनल अत्याचार, एक बेटी को इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दे रहे हैं। मुझे नौटंकी टिकट, आपको पता है बिहार में टिकट के लिए क्या होता, हर एक पार्टी में कितनी मारामारी चल। मीसा ने कहा पाटलिपुत्र से लड़ूंगी चुनाव, रामकृपाल यादव पर नहीं किया कोई इमोशनल अत्याचार। यूपीए 2 में मंत्री रहीं डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी में शामिल हुई, कल आडवाणी राजनाथ सिंह से की थी मुलाकात। अलग तेलंगाना के मुद्दे पर पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस से तोड़ा नाता, मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने भी कांग्रेस से तोड़ लिया है अपना रिश्ता। ओडिशा में कांग्रेस को बड़ा झटका, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह ने बीजू जनता दल ज्वाइन की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सड़क पर उतरे, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। दो दर्जन से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने बुलाई थी रैली, आदिवासी अधिकार रैली के जरिए जल जंगल जमीन बचाने की मांग। मुंबई पुलिस ने नाबालिग छात्र के साथ फरार टीचर को किया गिरफ्तार, बेंगलुरु से हुई गिरफ्तारी। पंद्रह साल के छात्र की चैट के जरिए 25 साल की टीचर से हुई थी दोस्ती, पुलिस ने टीचर पर अपहरण का केस दर्ज किया। दिल्ली में जयमाल के बाद भी नहीं विदा हो सकी दुल्हन, परिजनों का आरोप, लड़के ने दहेज में मांगी कार, शराबी बारातियों ने की मारपीट। सिंगापुर में क्रैश हुआ मलेशिया का विमान, प्लेन में सवार थे कुल 239 यात्री, कुआलालंपुर से जा रहा था बीजिंग। सिंगापुर के थोचू द्वीप में गिरा जहाज, 5 भारतीय यात्री भी थे सवार, रेस्क्यू में जुटी थी नेवी की टीम।